हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर माधुरी ठाकुर, कंसल्टेंट ऑब्जन गायनी एंड IVF स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल डेज के बारे में, मतलब पीरियड के बाद ऐसे कौन से डेज होते हैं जिस टाइम पे रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसे हम फर्टाइल डेज या फर्टाइल पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स, फर्टाइल डेज के कैलकुलेशन में काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग गलतियाँ भी करते हैं, इसलिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपकी साइकिल लेंथ क्या है, मतलब जब आपको पीरियड्स आते हैं उसके फर्स्ट डे से लेके जो नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे है उन दोनों के बीच में कितना गैप है, मतलब आपको कितने कितने दिनों में पीरियड्स आते हैं। जो ओवुलेशन होता है ना, यानी जो अंडाशय से जो एग रिलीज होता है, वो आपके जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड होते हैं उसके 14 डेज प्रायर होता है, मतलब 14 दिन पहले जो आपके पीरियड्स आने वाले हैं उसके 14 दिन पहले। तो फर्टाइल डेज का कैलकुलेशन समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपकी साइकिल लेंथ 28 डेज है। मान लीजिए आपका पीरियड का जो फर्स्ट डे है 1 जनवरी है, तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे कब आएगा? 28 जनवरी। और ओवुलेशन का डेट कब होगा? इसके 14 दिन पहले, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब आपका जो 14th डे है वो आपके पीरियड का ओवुलेशन का डे होगा। फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने के लिए इसके 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, मतलब फ्रॉम डे 9 से लेके 19 तक, ये आपके फर्टाइल डेज होते हैं। इस टाइम पे हर ऑल्टरनेट डेज यानी एक एक दिन छोड़ के रिलेशन रखने में प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे मैक्सिमम होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज आपकी साइकिल 24 डेज की है, तो मान लीजिए आपके पीरियड का फर्स्ट डे 1 जनवरी है, तो नेक्स्ट पीरियड का फर्स्ट डे कब आएगा आपका? 24 जनवरी। और ओवुलेशन होगा इसके 14 दिन पहले, मतलब कि अराउंड डे 10 पे। और फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने के लिए 5 दिन पहले और इसके 5 दिन बाद, मतलब जो 5 से लेके 15 डेज है ये आपकी फर्टाइल डेज होगी। इस बीच में आपको एवरी वाटर डेज रिलेशन में रहना होगा। अब किसी अगर महिला के पीरियड्स थोड़े डिलेड होके आते हैं, जैसे 32 डेज की साइकिल है, तो इस केस में अगर आपके मान लीजिए पीरियड का फर्स्ट डे 1 जनवरी है, तो इसमें आपका जो नेक्स्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे होगा होगा 1 फरवरी, और इसका जो ओवुलेशन डे होगा इस केस में आपके 14 डेज प्रायर, मतलब अराउंड डे 18 होगा। तो फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने के लिए इसके 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, मतलब जो पीरियड का डे 13 से लेके 23 होता है, ये इस केस में फर्टाइल डेज होंगे। मतलब अगर आपके पीरियड डिले होके आते हैं तो देखिए फर्टाइल डेज थोड़ा सा डिले हो गया है। आई होप इस एग्जांपल के जरिए आपको अपने फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब आते हैं कुछ बेसिक टिप्स के बारे में। फर्टाइल डेज का जो ये कंसेप्ट है, ये जो कैलकुलेशन है, ये उनके लिए ही एप्लीकेबल है जिनको ये पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर है, जिनको अपनी साइकिल लेंथ पता होती है। इनकेस अगर आपकी पीरियड्स इररेगुलर है, जैसे PCOS में होता है, कभी 25 दिन में साइकिल होती है, कभी 35 डेज की साइकिल होती है, कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं, इन केसेस में फर्टाइल डेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फर्टाइल डेज के अलावा आपके बॉडी में कुछ ओवुलेशन के साइंस होते हैं। जब आपका एग रिलीज होता है तो बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं। ओवुलेशन के टाइम पे मिड साइकिल पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उस टाइम पे बिल्कुल थिन और स्लिपरी, जैसे रॉ एग, कच्चा एग होता है जिसका वाइट पोर्शन होता है वो कैसा होता है? स्लिपरी, उस तरीके का होता है। इसको अगर आप फिंगर्स के बीच में स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेंथ की तरह बन जाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ओवुलेशन। एक होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, अगर फीमेल को अपना टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना होता है, बेड से उठने से पहले बिना किसी से बात किए, बिना कुछ खाए पिए, वो एवरीडे अपने टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखती है, तो ओवुलेशन के दौरान जो बॉडी टेम्परेचर है वो 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। तो ये भी एक ओवुलेशन का साइन है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना ट्राई करने के बाद उनको लगता है कि तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। नेचुरली एक कपल की जो फर्टिलिटी रेट होती है 1 मंथ में वो 15-20% होती है। कई बार हम 1-2 महीने में इम्पेशेंट हो जाते हैं, बट आपको पेशेंस रखना है, एटलीस्ट 1 साल तक ट्राई करना है। अगर 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो आप 6 महीने के बाद ही ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, और अपनी कोई भी क्वेरीज हमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।